ओके गाइस 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन यंगस्तान की जान आन बान और शान हमारे अपने सुपर सिंगर दर्शन रावल कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे। दर्शन, एक बार फिर से दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, मैं फिर से आ गया हूं। जब जब बातें होती है इनके साथ बहुत अच्छा लगता है और इस बार तो एक और सोलो सॉन्ग की हम बातें करेंगे जो सुपर डुपर हिट हो चुका है, करीब करीब 14 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है। बारिश लेते आना, जी हाँ, जिसे लेकर आए इंडी म्यूजिक लेवल एंड सोनी म्यूजिक इंडिया, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही अच्छा गाना है, लोगों के दिल को छू लिया। थैंक यू सो मच। आज सुबह ही 14 मिलियन व्यूज पहुंचा है गाना, सो आई एम वेरी हैप्पी। और आपको पता ही है कि हर गाना जब रिलीज होता है तो उसके साथ में कोलकाता आता हूँ और बहुत सारी कोलकाता से मेमोरीज साथ में लेके जाता हूँ। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगा कि इस गाने को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि दर्शन के ये गाना जो है दर्शन के भी बहुत ही नजदीक है, दिल के करीब है। बारिश, बारिश लेकर सबसे पहले हम बातें करना चाहेंगे, ये कैसे कैसे प्लानिंग हुई कि बारिश लेकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा है कि हमेशा बारिश के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, कोई भी अकेला रहता है वो बारिश के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो ये तीसरा साल हो गया अभी, इट्स द थर्ड ईयर, हर साल बारिश के मौसम में एक बारिश का गाना मैं रिलीज करता हूँ। ये तीसरा साल है और मुझे खुद को बारिश बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनको बारिश अच्छी लगती है, जिनको प्यार लव सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो बारिश लेते आना भी एक हमारा अटेम्प्ट था कि सारे लोगों को एक गाना दिया जाए इस बारिश के मौसम। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि दर्शन के साथ मेरी बातें हो रही है, बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, 6 सिटीज हो चुके हैं और भी आने वाले 4 से 5 सिटीज और आज समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम बातें करना चाहेंगे। दर्शन, दीप्ति आपसे जानना चाहती, हमने जैसे ही कहा था कि आपके साथ हमारी बात होगी, दीप्ति जानना चाहती बारिश लेते आना पियानो प्ले करते हुए आप नजर आ रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, वो जानना चाहती है आपको, आप तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं तो पियानो भी आपको आती है? पियानो बेसिक बजा लेता हूँ, नॉट मैं आई एम नॉट अ पियानो प्लेयर। मैं जब हम स्टूडियो में बैठते हैं तो आई कैन, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई नो द बेसिक सी ए माइनर एफ जी, तो फिर बाद में आप थोड़ा ट्रांसपोज कर सकते हैं, सो मैं बेसिक प्ले कर सकता हूँ, हाँ तो थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ। मुझे मज़ा आया वो ग्रैंड पियानो प्ले करने में, एनी आई लव ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जब मुझे इस गाने में ग्रैंड पियानो प्ले करना था आई हैड टू एक्ट एज इफ अ म्यूजिक टीचर, आई रियली एंजॉयड इट। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप इमोशनल भी बहुत है, क्योंकि बारिश जब होती है तो हम सब इमोशनल हो जाते हैं, हमारी इमोशनल फीलिंग जो है वो बाहर निकल आती है, तो हमेशा लेकिन हमने आपको स्माइल करते हुए देखा है दर्शन को, तो दर्शन भी कभी कभी सैड हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है? अब तो काफी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में, सो उसकी वजह से सैडनेस है, कहीं कहीं ना कहीं काफी सैडनेस होती है और मैं इसलिए आई थिंक जो मेरे दिल की कुछ जो बातें वो मेरे गानों से मैं एक्सप्रेस करता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। बिल्कुल, और मैं आपसे जानना चाहूंगा जैसे कि हम जब बारिश को लेकर ही सबसे पहले ज्यादा करके बातें कर लें, क्योंकि शूटिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ अगर थोड़ा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस हैं जो जानना चाहते हैं। शूटिंग एक्सपीरियंस हमने सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक इंडी म्यूजिक लेवल के, उनकी वजह से गाना बन पाया है, गाना बना है संदीप गोस्वामी ने, लिखा है नवीन त्यागी ने, ब्यूटिफुली कम्पोज एंड उसके बाद जो डायरेक्टर है जिन्होंने 13 जिक्र शूट किया था अभिषेक सिन्हा, उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया है, ऑल द क्रेडिट गोज, जितना खूबसूरत और खूबसूरत द वीडियो इज लुकिंग एंड द स्टोरी इज देयर, इट इज बिकॉज ऑफ हिम, और जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, जो मेरी एक्टिंग है उसमें जो लोग तारीफ कर रहे हैं, ऑल इट इज बिकॉज ऑफ हिम, सो लाइक थैंक हिम। नित्या मिश्र के जो मेरी को एक्ट्रेस है उसमें, जिसको हम प्यार से मिस्टी बुलाते हैं। बिल्कुल, वो सवाल आपके लिए था कि आप मिस्टी बोल के बुलाते हैं, कहा गया तो इसके पीछे राज क्या है? नहीं, उसका इट्स अ पेट नेम और नित्या मी सिर के इट्स अ बिग नेम, बिग नेम, ओके, तो हमारे लिए मिस्टी बहुत इजी रहता है। आई थिंक मिस्टी बंगाली में मिस्टी का मतलब मिठाइयों को कही है, स्वीट, एंड आई थिंक शी इज वेरी स्वीट, नित्या मी है भी बहुत स्वीट, उसके साथ मुझे बहुत, हम लोग बहुत हंसे हैं, तो इट्स अ सैड सॉन्ग, व्हाइल शूटिंग वी वर रियली हैविंग फन, बहुत मजा आया, एंड आई थिंक इट्स अ टीम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब गाना बनता है बहुत सारे लोग टीम में जुड़ते हैं, उनकी वजह से ये गाना सक्सेसफुल हो पाता है और हम देख रहे हैं कि तुरंत हमारे सामने से बारिश ले गए। जी जी, ये बारिश लेते आना था, ये तो लेके चलेगा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, ये तो कुछ ओके, कोई बात नहीं, अब प्रमोशन चल रही है इसीलिए इसे चेंज किया गया। वैसे बारिश लेके जब दर्शन बातें हो रही है तो मैं जानना चाहूंगा बारिश के समय एक चीज बहुत अच्छी लगती है आपको? बारिश के समय जैसे मेरे हर घर के अंदर हॉल में देयर इज अ ह्यूज विंडो अभी तक रही है, तो जब बारिश होती है तो जब मॉम थे तो मॉम गर्म पकौड़े बनाते थे, चाय होती थी और बैठ के हम बाहर मानसून इन्जॉय करते थे। अब अकेले मैं बैठ के आई हैव अ कॉफ़ी और समथिंग एंड आई जस्ट इन्जॉय, मैं विंडो के बाहर देखता हूँ सब कुछ खूबसूरत होता है, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, वक्त जैसा लगता है जैसा थम सा जाता है
और मेमोरी जिंदगी के सारे मोमेंट्स आई थी लिव द मोमेंट्स। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हर एक इंसान कनेक्ट कर पाएगा जब वो बारिश लेते आना गाना सुनेगा, और उनके दिल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी तो वो आई थिंक डेफिनेटली बारिश लेते आना से कनेक्ट करेंगे। क्या बात है। वैसे ज्यादा सवाल मैं नहीं पूछना, और चार से पांच सवाल और सिर्फ दर्शन में आपसे पूछूंगा। लीना, इनका नाम लीना कहना चाहती है कि बंगाली में नेक्स्ट सॉन्ग कब हम आपको देख पाएंगे? निकी भी जानना चाहती है। बंगाली में जरूर मैं जल्दी से कुछ करूंगा। लास्ट सॉन्ग वॉज और कथा जो आपको बहुत पसंद किया, तेरा जिक्र तो यू एक सक्सेसफुल हिट सुपर हिट गाना था ही, और आपने तो और कथा जो बंगाली वर्जन था उसको भी आपने काफी हिट कर दिया, सो थैंक यू सो मच। बट आई प्रोमिस मैं आगे भी कुछ ना कुछ बंगाली सॉन्ग मैं आप सबके लिए कुछ करूंगा। अभी फिलहाल मैंने प्लान नहीं किया, बट आई डेफिनेटली मेक समथिंग फॉर यू। बिल्कुल। कोलकाता जब आए हुए हैं तो कोलकाता का एक कोई बंगाली एक शब्द जो आपको बहुत ही यूनिक लगता है, अलग लगता है, जो हमेशा आपने सुना है? ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे ज्यादा तो ये सुना केमन आजी दादा, I have heard this a lot, or I think मुझे मेरा नाम इंट्रोडक्शन कोलकाता में करना पड़ता था, आमी दर्शन रावल, सो ये सारी चीजें, और अब वो उससे मैं बाहर निकल चुका, आमी तुम्हारे भालोबाशी से मैं बाहर निकल चुका हूँ, बहुत सारी दूसरी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जल्दी जल्दी करके, क्योंकि कुछ फैंस के सवाल थे जो बहुत सारे थे, और मैं जानना चाहता हूँ कोलकाता की रसगुल्ला और पुचका। हाँ, पुचका डेफिनेटली। खाना बनाना आता है आपको? मुझे आता है बिल्कुल। क्या बात है, खाना बनाना आता है। सारी सारी उन्होंने पूछा है आपके घर का पेट नेम क्या, यानी आपका निक नेम क्या? मेरा घर का माय मॉम यूज्ड टू कॉल मी दस्सू, दर्शु का है ना, दस्सू शीर्ष टू कॉल मी, शीर्ष टू ऑलवेज कॉल मी मारी बेटी, शीर्ष टू कॉल मी मारी बेटी, से पूछाती थी। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल जानना चाहूंगा आपसे, मूवी आने वाली है नवरात्रि की हम बातें करना चाहेंगे, गाना आने ही वाला है सलमान खान प्रोडक्शन, कुछ कहते हैं? बस अभी सॉन्ग पहले तो सबसे पहले ट्रेलर रिलीज हो रहा है 6 अगस्त को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, काफी 1.5 साल बाद मेरा बॉलीवुड के अंदर गाना आ रहा है, एंड आई एम थैंकफुल। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनके लिए जब भी कुछ भी छोटी सी चीज करने को भी आती है तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, तो मैं उनकी फिल्म में आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर आयुष शर्मा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस हूँ थोड़ा सा कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा, बट टीजर पे जितना भी पार्ट था पीपल हैव रियली लव्ड, और भी एक बॉलीवुड फिल्म है जो आएगी इस साल, और एक खुद का सिंगल, वन मोर सिंगल इज कमिंग दिस ईयर। क्या बात है, यानी कि एक बार फिर से बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है दर्शन के साथ। जाते जाते मैं कुछ लेकर आया हूँ क्योंकि कोलकाता में बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन मैंने सोचा कि छतरी में लेकर आऊं, जो छतरी लेकर अब हम एक गाना सुनने वाले हैं बारिश लेते आना। हम दोनों आ जाते हैं कि बारिश जो है वो शुरू हो गई अचानक से, तो मैं ये ऐसे रखता हूँ जी, ऐसे रखते तो सिनेमैटिक रहेगा, और मैं गाना गाता हूँ जी। आती हो तो बारिश लेते आना, जी भर के रोने का दिल करता है, रहती है ये ख्वाहिश ओ तो पर ही, जब भी ये दिल मेरा जो भरता है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच दर्शन फ्रेंड्स, अपने को समय देने के लिए बहुत अच्छा लगा। छतरी कैसी लगी? मुझे बहुत प्यारी लगी है। ये मेरी बेटी की है, वो 3 साल की है, तो मैंने उसके बहुत सारे टॉयज में लेकर आया, समय बहुत कम था इसलिए, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे खासू सवाल पूछने वाला था आज। ओके, नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे, और थैंक यू सो मच दर्शन हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो। 14 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो चुके हैं, और हम चाहेंगे बारिश लेते आना लोगों को और ज्यादा पसंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।